एक बार एक व्यक्ति जो कि बहुत निर्धन था, धन का बेहद अभाव था, वो परेशान होकर के एक संत के पास गया और रोने लगा। कहने लगा कि मेरे पास धन नहीं है और मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। वो संत उसको अपने साथ सागर के किनारे ले गए और वहां पर लगे हुए कंकड़ों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन कंकड़ों के ढेर में एक ऐसा कंकड़ है जिसको यदि तुम उठा करके किसी भी धातु के साथ छुहा दोगे तो वो धातु सोने की हो जाएगी। इस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा, परंतु एक सवाल मन में आया कि इतने सारे कंकड़ों में वो कंकड़ कैसे ढूंढ। तो संत ने बताया कि ये बहुत आसान है, जब बाकी कंकड़ तुम उठाओगे तो वो ठंडे होंगे, परंतु वो एक कंकड़ ऐसा होगा जो गर्म होगा, तो बस वही वो कंकड़ है। अब इस व्यक्ति को लगा ये तो बहुत आसान है, मैं रोज आकर 2-3 घंटे यहां पर काम करूंगा और थोड़े ही हफ्तों में मैं ढेर में से उस कंकड़ को खोज निकालूंगा। वो काम करने लगा। कुछ हफ्ते बीत गए, वो रोज कंकड़ को निकालता और निकाल करके जो ठंडे कंकड़ होता बस उसको सागर में फेंकता जाता। अब एक दिन उसको लगा कि कंकड़ को फेंकते फेंकते शायद उसके हाथ में वो कंकड़ भी आया था जिसकी गर्माहट थी, परंतु फेंकने की जल्दी की ऐसी आदत लग गई कि जल्दी जल्दी में वो कंकड़ भी सागर के अंदर फेंका गया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईश्वर बहुत से अवसर देता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जो हमारे दिन बदल सकते हैं, परंतु कंकर फेंकने की उस जल्दी की आदत में इस व्यक्ति ने वो कंकर भी फेंक दिया जो इसका जीवन बदल सकता था। क्योंकि पहले जब इसने कंकर को देखना शुरू किया पहले दिन, तो ये हर कंकर को हाथ में पकड़कर बड़े आराम से संवेदना से उसको चेक करता था, परंतु बाद में जल्दी जल्दी में वो हड़बड़ाहट में इसने वो जल्दी जल्दी जो काम करना शुरू किया उसमें इसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी जो उसकी लाइफ को बदल सकती थी। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे पास भी ऐसे अवसर आते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते हैं, परंतु हम क्योंकि इतनी जल्दी में हैं, हम अपने बस दिन में भाग रहे हैं, दिनचर्या में ऐसे फंसे हैं कि भाग रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे काम में भाग रहे हैं, हड़बड़ाहट में हैं, चिंता में, शरीर कहीं और होता है और मन कहीं और होता है, एकाग्र नहीं है, सजग नहीं है, सचेत नहीं है। इसलिए आने वाले उस अवसर को भी हम खो देते हैं। दोस्तों, अपनी दिनचर्या में, अपने रोज के कामों में मन कहीं और शरीर कहीं और ना रखें, सजग होकर के काम करें। काम करते हुए भी ध्यान वही हो जहां आप हैं, तो आप पाएंगे कि वो ईश्वर की कृपा जो आप पर आती है अनेकों बार, वो अपॉर्चुनिटी जो आपका डोर नॉक करती है, उसको आप मिस नहीं करेंगे। यही लाभ है ध्यानमय होने का। ध्यानमय होना अर्थ ये नहीं कि आप गुफा में जाकर बैठ जाएं, कामकाज संसार छोड़ दें, मतलब आप एकाग्र होना सीखें। एकाग्र मतलब शरीर मन बुद्धि सब एक जगह इकट्ठा करना सीखें, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, शरीर कहीं और है और मन कहीं और है, मन यहां भाग रहा है दाएं बाएं, मतलब मन पास्ट या फ्यूचर में गमन कर रहा है। तो बस ध्यान यही सहायता करता है कि जहां आप हैं वहीं मन भी ठहर जाए, और जब ऐसा होगा तो आने वाले हर अवसर को आप अच्छे से परख पाएंगे, पहचान पाएंगे, और ये पारस पत्थर रूपी अवसर आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। आशा करता हूं इस कहानी ने आपकी भी आंखें खोली हैं, आपको भी प्रेरित किया है
ध्यानमय होने के लिए। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और औरों की भी सहायता करें। धन्यवाद।